आज की व्यस्त दिनचर्या में अपनों के लिए समय निकालना भी मुश्किल है, लेकिन शिवपुरी में दो भाइयों का प्यार चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवपुरी नगर पालिका परिषद के चुनाव में हाथ आजमा रहे पार्षद प्रत्याशी का भाई उसका साथ देने सात समुंदर पार लंदन से शिवपुरी पहुंचा और भाई के प्रचार प्रसार में जुट गया। नीरज शर्मा का अपने भाई के लिए वोट मांगना लोगों को पसंद आ रहा है। नीरज अपने भाई के वोट मांगने ढोल ताशों के साथ निकलते हैं। लोग नीरज के वोट मांगने के तरीकों को भी पसंद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नीरज वर्षों से लंदन में रहे हैं, लेकिन जब भी वो लोगों से मिलते हैं तो बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेते हैं। नीरज शर्मा से जब आने जाने के खर्चे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि लंदन से इंडिया आने का खर्चा आमतौर पर 1 से 1.5 लाख तक का होता है। ऐसे में अगर किसी को यहाँ इमरजेंसी में लंदन से भारत आना होता है तो यही खर्चा 3 से 4 लाख पहुँच जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज शर्मा है। आप बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, चुनाव प्रचार के लिए अपने भाई के लिए आए हैं। कहाँ रहते हैं और किस तरीके से क्या करते हैं और यहाँ किस लिए और किस संदर्भ में आपका उद्देश्य है? मैं लंदन के पास एक जगह है सुंडन, वहाँ रहता हूँ। और मैं हमेशा जब भी मेरा भाई चुनाव लड़ता है मैं सीमाओं की बंजिश ना रोकते हुए हर बार भाई का सपोर्ट करने के लिए आता हूँ, बिकॉज ये मेरा परिवार है। जैसे पंकज महाराज का बाढ़ परिवार है, ये भी मेरा परिवार है और उनको मैं सपोर्ट सालों से करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। दूरियाँ इस चीज़ के लिए कोई भी बंदिश नहीं लगा सकती हैं। अच्छा, कितनी बार अभी तक आप इस प्रकार से चुनाव प्रचार में आए? वैसे सारे लोग जानते हैं लगातार 3 बार से, जब से पंकज महाराज पहली बार चुनाव लड़े, दूसरी बार लड़े, तीसरी बार, लगातार 3 वर्षों से मैं आता रहा हूँ। अच्छा, आपका प्रेम अपने भाई से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कहना चाहिए? मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा सीधा और जनता की सेवा करने वाला है। उसके मन में कोई भी स्वार्थ की भावना, किसी भी तरह की लूट खसोट की भावना कुछ भी नहीं है। वो खाली जनता की सेवा करता है और मैं अब इस जनता की सेवा में योगदान देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे सक्षम हूँ कि मैं अपना योगदान दे सकता हूँ। तो मैं आके हमेशा सपोर्ट करूँगा। अगर वो अगली बार चुनाव लड़ेगा तो मैं तब भी आऊँगा और जब तक वो लड़ता रहेगा तब तक मैं उसका सपोर्ट करने आऊँगा। एक आप दोनों भाइयों के प्रेम को देखते हुए अन्य क्या लोगों से क्या कहना चाहूँगा? लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि परिवार परिवार होता है। जब आप मुसीबत में होते हो तो परिवार ही आपके साथ रहता है और इस अपनी प्रथा को जो हमारी संस्कृति में चली आ रही है उसको हमें बरकरार रखना चाहिए। ऐसा नहीं है होना चाहिए कि हम अगर बाहर चले जाएँ तो हम उसको भूल जाएँ। हमारा रूट यही है और इसी रूट को हमें हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहिए।